एक सेक्शन है 376, वो मुझे अभी फिलहाल अभी अभी मालूम हुआ जब से केस स्टार्ट हुआ कि इट्स अ रेप केस। तो ओसीसीसी के मैटर में रेप केस कहाँ पे आता है? सीनियर ऑफिसर्स मेरे हस्बैंड को शिवदे जो ये है वो और उनके सीनियर्स उनको वहां पे एक बीट चौकी है फूलपाड़ा में, गोकुलधाम चौकी बुलाते उसको, वहां पे रखते है पूरा पूरा दिन, एसी वेसी सब, मतलब एसी लगाया हुआ एक रूम है, वो एक प्राइवेट बेडरूम जैसे उन्होंने बनाया। नंतर जुलाई मध्ये त्यांना अरेस्ट करण्यात येतं, जेव्हा की आम्ही पैशाची डिमांड पूर्ण नाही केली त्यांची, 28 जुलैला त्यांना अरेस्ट करतात। एक बीजा कार है, पुलिस वैन भी नहीं आती हमारे यहाँ पे। एक एडवोकेट है, एडवोकेट कुसुम पांडे, उनके नाम पे रजिस्टर्ड एक बीजा कार है जो सुरेंद्र शिवदे यूज करते हैं। कि एक स्पेसिफिक एडवोकेट का नाम लेता है सुरेंद्र शिवदे कि इसके पास ही जाओ तो ही तुमको बेल मिलेगा, तो ही हम तुमको प्रेफरेंसेस देंगे। यानी ये तो अपना हिस्सा पुलिस वाले ये शिवदे ले ही लेता है लोगों से, कि वो एडवोकेट भी पुलिस के द्वारा ही दिया गया है, तो कहां से उस पुलिस वाले की, उस वकील की ये हिम्मत हुई पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट के सामने वो पेश करेंगे, सच्चाई में कुछ हो भी तो भी। तो ये सारी चीजें इसमें आई है कोर्ट के सामने। प्रशांत पाटिल की मिसेज ने एफिडेविट फाइल किया है। एफिडेविट फाइल करना बहुत संगीन चीजें होती है, बहुत सीरियस चीजें होती है। एफिडेविट में साफ साफ इन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग का जिक्र किया है, गोल्ड लोन का रिसिप्ट साथ में लगाया है और कोर्ट में इन्होंने फाइल किया है कि किस तरह से इनके साथ स्वयं शिवदे ने एक्सटॉर्शन किया है, पैसे लिया है। 11 अलग अलग FIR जिसमें इसके हस्बैंड का यानी प्रशांत पाटिल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसमें उसका नाम डाला गया। सुरेंद्र शिवदे जिसके ऊपर दो दो FIR है, एक एक्सटॉर्शन का, एक किडनैपिंग का, जिसके ऊपर कितने एलिगेशंस वाले लेटर्स गए हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री और बड़े। काही दिवसांपूर्वी वसई विरार शहरामध्ये बनावट सीसी हे प्रकरण खूप गाजलं। या प्रकरणात बनावट सीसीच्या अनेक इमारती समोर येत आहेत, पोलीस अनेक आरोपींना धरपकड करतात, परंतु या मागचं नेमकं सत्य काय ते अजूनपर्यंत पुढे आलेलं नाही। या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 4 प्रशांत पाटील यांच्या वकिलाने आज एक पत्रकार परिषद बोलवत पत्रकारांशी चर्चा केली आहे। ॲडव्होकेट भास्कर झा यांनी या प्रकरणात एक नवीन खुलासा केलेला आहे। काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील मनसुख हिरेन प्रकरण आपण पाहिलं, या प्रकरणात पोलीस दलात अधिकारी असणारे सचिन वझे यांना शिक्षा झाली आणि आता ते तुरुंगात आहेत। सीसी प्रकरणात देखील असाच आरोप ॲडव्होकेट भास्कर झा यांनी शिवदेंवरती केलेला आहे। सध्या शिवदे यांची ट्रान्सफर झाली असून त्यांच्यावरती आरोप आहेत की त्यांनी आरोपीकडून पैसे घेतलेले आहेत। आरोपीची पत्नी वारंवार या सगळ्या गोष्टींचा खुलासा करत मीडिया समोर येते। असं असताना हल्लीच मीडियामध्ये शिवदे हिरो असल्याचा दावा केला गेलेला आहे। या विरोधात आता आरोपीची पत्नी आणि आरोपीचे वकील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे। तर पाहूया या संदर्भातली टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलची ही खास बातमी। तर पाहूया या सर्व विषयावरती आरोपीचे वकील भास्कर झा नेमकं काय म्हणाले। FIR क्रमांक 152/2023 विरार पोलीस स्टेशन जो फरवरी में रजिस्टर होता है किसी एक अक्यूज के अगेंस्ट, बाद में उस FIR में मेरे क्लाइंट प्रशांत मधुकर पाटिल को उसका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ESI सुरेंद्र शिवदे वो बुलाता है। बुलाने के बाद जैसा कि उनका एलिगेशन है कि 3 लाख रुपए का डिमांड करता है, 3 लाख रुपए डिमांड करने पर 2 लाख रुपए प्रशांत पाटिल उसको पे भी कर देता है। पे करने के बाद भी उसको अरेस्ट किया जाता है जुलाई के महीने में, यानी कि आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने तक उन्होंने क्या किया केस में पता नहीं, जुलाई में अरेस्ट करता है। अरेस्ट करने के बाद कंटिन्यूअसली जो आरोपी है, दूसरे भी आरोपी है, उनके परिवार वालों से पैसे की डिमांड की जाती है इन पुलिस अधिकारियों के द्वारा, और उसमें से 2 कंप्लेन पहुंच जाता है DCP के पास। पहले तो जो आरोपी दिलीप अड़गले है उसकी वाइफ अस्मिता अड़गले कंप्लेन देती है DCP को कि सुरेंद्र शिवदे हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है। उसके बाद फिर आरोपी प्रशांत पाटिल जो हमारे क्लाइंट है उनकी मैसेज कंप्लेन देती है DCP को और CP साहब को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि शिवदे हमसे पैसे की डिमांड किया है और हमको मजबूरन पैसा देना भी पड़ा है, इस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन, पैसा दिया हमने। उसके बाद जब ये मैटर दिखता है कंप्लेन हो गया पुलिस ऑफिसर्स, तो ये हीरो बनने के लिए क्या करते हैं कि
यह पहली बार नहीं है कि एमआरटीपी का कोई एफआईआर रजिस्टर हुआ है विरार पुलिस स्टेशन में। फोर ज्योति सीसी वाला मैटर सामने आया है, पहले भी दूसरे एफआईआर क्रमांक 506/2023 और भी बहुत सारे दूसरे एफआईआर विरार पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी के तहत दर्ज हुए, और उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे थे जिसमें फोर ओसीसीसी का यूज हुआ। लेकिन उस दौरान पुलिस वालों ने, मेरा ऐसा मानना है कि क्या किया, फोर ओसीसीसी वाले चीजों को दबाया। अब क्यों दबाया, ये भ्रष्टाचार करने की वजह से दबाया। दबा के सिर्फ सिंपल एमआरटीपी करके आरोपी को कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए दूसरे आरोपी को मदद किया। लेकिन जब इस मैटर में जब देखा सुरेंद्र सिमले ने और दूसरे अधिकारियों ने कि हमारा पोल खुल रहा है, कि हमने रिश्वत लेते हैं हम लोग, फिर उन्होंने क्या किया, मार्केट में एक हीरो बनने का ड्रामा किया। उन्होंने जितने भी मीडिया के लोग हैं सबको उन्होंने एसएमएस डाल के बुलाया, और बुला के उन्होंने मीडिया के सामने ये पेश किया कि हमने एक बहुत बड़ा स्कैम को बाहर निकाला है। 55 अलग अलग इलीगल बिल्डिंग के फोर्ज ओसीसीसी को हमने रिकवर किया है। कोई एफआईआर में किसी की भी नाम हो सकती है, हमारी भी नाम हो सकती है, किसी की भी नाम हो सकती है। एफआईआर में नाम हो जाने से कोई भी आदमी कन्विक्ट नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है। और हमारा संविधान, हमारे देश का कानून बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कानून है। हमारा कानून कहता है कि अगर कोई आदमी किसी एफआईआर में अरेस्ट भी होता है तो भी उसके कुछ अधिकार है। पहला अधिकार कि उस आरोपी के परिवार वाले, उनके फ्रेंड, उनके वकील, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि आपका सो एंड सो पर्सन, आपके रिलेटिव को हमने अरेस्ट किया है। दूसरी चीज, उस आरोपी के पास यह अधिकार है कि वो अपने पसंद का लॉयर उनके डिफेंस के लिए कोर्ट में खड़ा करे। लेकिन सुरेंद्र सिवदे के ऊपर लगातार बहुत सारे ऐसे कंप्लेन हुए, कंप्लेन की कॉपी हमारे टेबल पे है, मीडिया कर भी, दोस्त मैं अगर आपको चाहिए तो मैं देता हूं, कि एक स्पेसिफिक एडवोकेट का नाम लेता है सुरेंद्र सिवदे की, इसके पास ही जाओ तो ही तुमको बेल मिलेगा, तो ही हम तुमको प्रेफरेंसेस देंगे। यानी ये तो अपना हिस्सा पुलिस वाले सिवदे ले ही लेता है लोगों से, आरोपियों से, लेकिन बाद में ये बात बाहर ना आ जाए, कोर्ट में कल जाके अगर कोई दूसरा वकील होगा तो अपने आरोपी से नेचुरली पूछता है कि क्या आपके साथ मारपिटाई हुई है क्या कस्टडी में, कोई इल ट्रीटमेंट पुलिस वाले ने किया है क्या, क्या आपने खाना खाया है क्या, कोई शिकायत तो नहीं है पुलिस के खिलाफ। ये ड्यूटी है हम एज एडवोकेट जब हम किसी रिमांड को अटेंड करने जाते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो हम लोग पूछते हैं, और ऐसी कोई चीज हमें दिखती है तो हम एप्लीकेशन करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि वो एडवोकेट भी पुलिस के द्वारा ही दिया गया है, तो कहां से उस पुलिस वाले, उस वकील की ये हिम्मत होगी पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट के सामने वो पेश करेगी। हस्बैंड का नाम, 11 अलग अलग एफआईआर जिसमें इसके हस्बैंड का यानी प्रशांत पाटिल का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसमें उसका नाम डाला गया। मैं कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं बोलता हूं एज ए लॉयर तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलता हूं। एफआईआर में तावा लिया पुलिस वाले ने और उसके अगेंस्ट कुछ भी मिला नहीं, रिमांड रिपोर्ट कोर्ट में जाकर हुआ, कोर्ट ने रिमांड को एक्सटेंड किया नहीं। किसी एफआईआर में एक दिन की रिमांड मिली तो किसी में दो दिन की। बाद में हमारे क्लाइंट ने हमको शिकायत किया कि सर हमारा इस केसेस में कुछ लेना देना नहीं है और बेवजह मेरा तावा ये लोग घुमा रहे हैं और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये एक हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को अभी तक लेटर नहीं लिखा था, अब लोग हम लोग ह्यूमन राइट कमीशन को भी लेटर लिखने वाले हैं। ये एक मानवाधिकार का हनन है। ये एक न्यूज मिड डे का आप जरा हेडिंग देखिए, ये बहुत मुंबई में चलने वाला बहुत न्यूज है। जब मैं स्टडी लाइन में था, कॉलेज लाइफ में था, तो मैं ये न्यूज पेपर मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था। ये सोचता था कि इनके जो न्यूजेस होते हैं ये काफी क्रेडिबल होते हैं, लेकिन अब मेरे को ये न्यूज पढ़ के भरोसा उठ गया है कि न्यूज में जो लिखे जाते हैं वो बात 100% झूठ हो सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, हाउस ऑफ कार्ड्स हीरोज गेट पनिशमेंट पोस्टिंग। मतलब सुरेंद्र सिवदे और ये साप्टे कांस्टेबल जो ये अंकिता पाटिल से रिश्वत लेने के लिए उसे घर तक पीछा करता है, परेशान करता है, कि न जाने कितने कॉल्स करता है इसको, और सुरेंद्र सिवदे जिसके ऊपर दो दो एफआईआर है, एक एक्सटॉर्शन का, एक किडनैपिंग का, जिसके ऊपर कितने एलिगेशंस वाले लेटर्स गए हुए हैं सीनियर ऑफिसर्स, मुख्यमंत्री और बड़े ऑफिसर्स को, जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक, उसको ये मिड डे न्यूज पेपर हीरो बता रहा है। पाहिलं कि हे प्रकरण आता कोणत्या वळणावर जाणार आहे। आरोपीच्या वकिलाने आपली बाजू मांडली खरी, परंतु या प्रकरणामध्ये शिवदेंवरती वारंवार प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे। शिवदे यांच्यावरती 2017 साली पहिला गुन्हा दाखल झाला, तोही त्यांच्याच पोलीस स्थानकात।
शिवदेवरती अनेक वेळा आरोप झाले, परंतु हे सगळं होत असताना शिवदेव यांना कोण वाचवतो? एवढं सगळं होत असताना शिवदेव पोलीस दलात कार्यरत कसे राहू शकतात? असे काहीसे प्रश्न आरोपीचे वकील आणि आरोपीची पत्नी करते. आपल्याला काय वाटतं? आपली प्रतिक्रिया कमेंटच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच कळव. चॅनलवर जर नवीन असाल तर कृपया करून टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.